अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आप सबके लिए वेज आलू सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने ठंडा करके इनका छिलका निकाल दिया है और अब इसको इस तरह से हाथ से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने मैश कर लिया है तो मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच गाजर बारीक कटी हुई। आप यहाँ पे गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच प्याज बारीक कटी हुई, 2 चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच टमाटर बारीक कटा हुआ। सब्ज़ियाँ आपको जो पसंद हो आप वही डालें, जो ना पसंद हो इनमें से वो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब कि काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच मैंने डाला है इसमें चाट मसाला। अब इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक और जो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है 6 ब्रेड के स्लाइसेस। इनकी साइड्स को नहीं निकालना है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं निकालूंगी। और इस पे सबसे पहले हम लगाएंगे टोमेटो केचप, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा हो जाता है, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब इस पे मैंने जो वेजिटेबल का मिक्स तैयार किया है, मतलब सब्जियों का मिक्सचर, अब वो मैं रखूँगी और फैला लूँगी, देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से। और इसी तरीके से अच्छे से पूरे ब्रेड पे फैला लेना है। ये देखिए ये तैयार है। सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे और 3 सैंडविच तैयार कर लिया है। अब इसको सेकना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है और अब इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैंडविचेस को इस पे रखेंगे और कुछ मिनट एक तरफ से सेकेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा नीचे से। तो कुछ मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको पलटूंगी। फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है वरना ये जल जाएगा, इसमें क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी। तो ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से पलट पलट के इसको मैं सेक लूँगी दोनों तरफ से। दोनों तरफ से मैंने इसको पलट के सेक लिया है। ये बनके तैयार है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।